आज बिहार दरोगा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। इससे पहले भी 2 वीडियो डाल चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये आरा से किए थे, आरा जगदीशपुर से ये थे, ये किए थे 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह। चलिए आगे देखते हैं। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिट कौन थे? तो APJ अब्दुल कलाम थे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो 1885 में स्थापना हुआ था। व्यक्तिगत का सिद्धांत से संबंधित है तो लॉर्ड डलहौजी से। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्राई ब्रेकर शब्द 2 और 3 यानी फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक तो कुमार गुप्त था। चलिए आगे देखते हैं। इससे मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की राजधानी थी मुंगेर। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो ये इसमें से नहीं है, उनका नाम कुछ दूसरा था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ? तो पूर्णिया में हुआ था। कामायनी पुस्तक के रचयिता तो जयशंकर प्रसाद थे। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो 60% पर होता है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। और थोड़ा लाइक और शेयर बढ़ाइए। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? तो हॉकी से संबंधित खिलाड़ी थे। इनके ही सम्मान में ध्यानचंद ट्रॉफी दिया जाता है। खेल शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। राज्य मंत्री परिषद तो विधानसभा प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के प्रति। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो कटिहार जिला अग्रणी है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखा है। इनकलाब जिंदाबाद तो भगत सिंह ने नारा दिए थे, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था, बक्सर का युद्ध। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। सितारा देवी तो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थी, जो कि बिहार से ही मधुबनी पेंटिंग है। पटना हाई कोर्ट 1916 में स्थापना हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का मृत्यु तो पावापुरी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था? तो 29वां, अभी 28 राज्य है, उस समय 29 था। चलिए आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर हट गया है इस प्रश्न से। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बिम्बिसार किस वंश का? तो हर एक वंश का राजा था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो ये चंपारण में, जो कि बिहार में ही पड़ता है, 1917 में किए थे, पहला चंपारण से ही शुरू किए थे आंदोलन। सार्क का सबसे नया सदस्य तो अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब ने कैद कर लिया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में बने थे। बंगाल का विभाजन हुआ था तो 1905 में, लॉर्ड कर्जन उस समय थे शासक। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ सकता है, उसकी उम्र होनी चाहिए?
तो 21 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ से? पटियाला में स्थित है। जसपाल राणा तो निशानेबाजी से संबंधित थे। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से? तो परमार राजवंश से थे। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था दिल्ली के लाल किले में। अब देखते हैं वर्ष 1857 के मेरठ से सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 10 मई को शुरू हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या नाथुराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो 30 जनवरी 1948 को किए थे। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश राजतंत्र की नेपाल में हुआ था। गणतंत्र की स्थापना नेपाल में हुआ था। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए और पंचायत के लिए 21 वर्ष चाहिए। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। सतलज, चिनाव और रावी सिंधु की सहायक नदियां हैं। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का नाम था दिलीप सिंह राणा। चलिए आगे देखते हैं और पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से सितार से थे। रविशंकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। और थोड़ा शेयर और लाइक भी करते रहिए। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी में है, जो कि गुजरात विजय के उपरांत अकबर ने बनवाए थे। लंबे समय अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चली थी? तो मैत्री एक्सप्रेस चली थी। भारत के राष्ट्रपति पद से कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकता है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले यूरोपीय से पुर्तगाल से शुरू हुआ था, पुर्तगाली आए थे पहले। वेलिंगटन कप तो हॉकी से संबंधित है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो चंद्रमा है। जातक पवित्र ग्रंथ है तो बौद्धों के पवित्र ग्रंथ हैं। स्वेज नौ परिवहन तो ये भूमध्य को किसके साथ जोड़ता है? तो ये लाल सागर से जोड़ता है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश सारनाथ में दिए थे। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था। रजमनामा फारसी में अनुवाद था। तो महाभारत का वह मुगल सम्राट जिसको दो बार राज्याभिषेक हुआ था, तो औरंगजेब। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 ईस्वी में किया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण अधिकार कब किया था? तो 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान से। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए कौन सा आवश्यक है? तो उपयोग सभी काम करने के लिए सभी आवश्यक है। हेडफोन सिम कार्ड से नेटवर्क सभी चाहिए। अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी टाइपराइटरों में नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो इंटर नहीं है, बाकी सब टैब स्पेस बार और बैक स्पेस है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी www, http, ईमेल। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? तो ओ माइनस और सर्वग्राही हो जाएगा तो AB पॉजिटिव। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से पुनः तो गन्ना में होता है, काट कर फिर उगाया जाता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का होता है। अब देखते हैं आगे। दूध के फटने पर तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। फटने पर संतरे
किसके प्रबल तो विटामिन के, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होता है नहीं होता है, तो घेंघा जो कि आयोडीन की कमी से होता है, बाकी डेंगू मलेरिया और फाइलेसिस होता है मच्छर से। विद्युत धारा का मापन करते हैं तो ये होता है, विद्युत धारा का मापन अमीटर में किया जाता है। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो ये तो वही क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, फिर ये विटामिन वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, पिछले वाला आ गया है। चलिए आगे देखते हैं, ये भी वही है, ये भी वही है, चलिए आगे देखते हैं। डायनेमो अच्छा ये भी तो वही है। गैल्वेनीकृत लौह चादरों में किसके पर चढ़ी तो जस्ता की चढ़ाई जाती है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है, वाशिंग सोडा किसका, तो सोडियम कार्बोनेट का धोने वाला सोडा है, भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा, तो जेम्स वाट द्वारा किया गया था। संक्षिप्त PSLV पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग परिवर्तित रहता है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, तो सौर लालटेन में होता है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं, तो आयरन के प्रबल स्रोत हैं पालक के पत्ते, पालक के पत्ते से दंत क्षय तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण से होता है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए, टीटनेस की रोकथाम के लिए, अल्बर्ट आइंस्टीन भौतिक शास्त्री थे वैज्ञानिक, टेलीफोन तो ग्राहम बेल किए थे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आविष्कार किए थे, तुराह इस धर्म के तो यहूदी धर्म के तुराह है, मेरी कॉम तो ये बॉक्सिंग से है मेरी कॉम, ग्रीन पार्क कानपुर क्रिकेट से संबंधित है, स्टेडियम है, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है जीव मिल्खा सिंह। चलिए आगे देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची इमारत तो दुबई में है बुर्ज खलीफा, विश्व के सबसे बड़ा पुस्तकालय तो वाशिंगटन अमेरिका में, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो जापान, भारत में सबसे लंबा नदी वाला पुल तो बिहार में था पहले लेकिन अभी असम हजारीका पुल हो गया है, बिहार तीसरे नंबर पर आ गया है, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला तो राजस्थान हो जाएगा, ज़्यादा क्षेत्रफल में राजस्थान। अब देखते हैं आगे, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल तो गेहूं है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे तो यूनान में जो कि 1930 में, इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक में 10 अंक प्राप्त किए तो कुमार नेसी ने, अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित थे अभिनव बिंद्रा। चलिए आगे देखते हैं, किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का तो हिरवानी थे, शायद अभी अनिल कुंबले हो गए हैं क्या, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते हुए वीरगति तो झांसी की रानी प्राप्त हुई थी, वीरगति प्राप्त की। गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, यंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम तो बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी, श्रीलंका की मुद्रा रुपी है, रुपी भारत का रुपया, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है तो म्यांमार की, एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है तो तुर्की, एशिया में कितने देश हैं तो 50 देश हैं, भोपाल गैस त्रासदी तो यूनियन कार्बाइड से हुआ था, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं तो दिल्ली, कोलावेरी डी गीत तो तमिल में गाया गया था, यूट्यूब पर बहुत प्रसिद्ध हुआ था,
एक टिकट के PNR में पी किसे तो पैसेंजर को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्राइज एंड प्यूस तो ऑस्टिन लिखा, उपन्यास तो ऑस्टिन लिखा था। पुस्तक द थ्री मिस्टेक्स तो चेतन भगत। क्वीन ऑफ टाक किसके लिए रखा गया तो अपराह बिन थ्राई के द्वारा। ग्रामीण बैंक का संस्थापक तो मोहम्मद यूनुस को माना जाता है। अब देखते हैं आगे। महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। नियाग्रा फॉल्स तो USA में स्थित है जो कि अमेरिका में। भारतीय वायुसेना तो टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है तो ब्रिटेन नहीं है, बाकी ब्राजील है, रूस है, चीन है, भारत भी है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह तो तीन शेर। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे तो मोतीलाल नेहरू। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम तो रहमत अली। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई तो 1975 में। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं तो 22 अध्याय हैं। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता 2005 में स्वीकृत की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। इससे आगे RTI कानून प्रभावी हुआ 2005 में। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर लोकसभा करता है। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम तो राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से ही थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को 73वां नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य तो ये गुजरात हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अथवा लाइक और शेयर जितना हो सके बढ़ाई। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है तो माइका का। कृषि का भारतीय GDP में लगभग उस समय 25% था, अभी 16 से 18% हो गया है नया डेटा के अनुसार। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या उस समय 7000 थी, अभी तो ज़्यादा हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की राजधानी है तो इम्फाल। अब आगे देखते हैं। किसे नवाबों का शहर लखनऊ कहा जाता है। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है तो बनारसी में, सारनाथ में। जनजाति समूह मुंडा तो झारखंड से। हो ची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था तो सैगांग कहा जाता था। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है तो 5.5 घंटा आगे होता है। अब देखते हैं इससे आगे। फिनलैंड की संसद कहलाती है तो संसद कहलाती है। UK का राष्ट्रीय पुष्प है तो गुलाब। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है तो सोने का शेर। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। इनमें से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है तो नंदा देवी नहीं है, बाकी बांदीपुर है, काजीरंगा है, नागरहोल है। लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया, नेपियर के द्वारा विकसित किया गया था। FPS प्रति में द्रव्यमान की इकाई है तो पाउंड। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं तो 3। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं 746। इन धनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा तो लाल रंग। फारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले तो 180 अंतर होता है। प्रश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है तो 20,000 हर्ट्ज से कम। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारण करने के लिए बने पात्र में तो लेड का बना होता है। सिरके में होते हैं तो सिरका में क्या होता है तो एसिटिक अम्ल होता है। निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है तो चीनी नहीं करता है, बाकी
हाइबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है तो अमोनिया। कौन सा अम्ल कांच को घोलकर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व तो हाइड्रोजन है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में घनत्व रहता है तो जल होता है। पाइकोलॉजी इसका अध्ययन है तो शैवाल का। इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है तो चीता। कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है तो प्रोजेस्टेरोन है। डीवीडी में भी से वर्सेटाइल हो जाएगा। रैम में एक्सेस हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एक्सेस हो जाएगा। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। बायोडीजल इससे बनता है तो बायोडीजल बनता है घास से। रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है तो मार्च हो जाएगा। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। स्वास्थ्य दृष्टि के लिए तो विटामिन ए जरूरी है। कौन सा नहीं है तो कॉप नहीं है, बाकी एनआईसी कार्ड है तो पीसीएस को जोड़ता है एनआईसी कार्ड। संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है तो गीगा हर्ट्ज में। थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है तो थायराइड होता है। अंतःस्रावी तंत्र का भाग होता है थायराइड। चलिए इससे आगे देखते हैं तो हो गया अंतःस्रावी। सार्क टीका तो पोलियो। सार्क टीका पोलियो कौन सा प्रतिजैविक है तो कैरोटीनोइड है। वनस्पति घी में होता है तो एकल असंतृप्त वसा होता है। मूत्र का पीएच तो 6 होता है, 6 से 6.5। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।